सुप्रभात सभी गुरुजनों को, राकेश चतुर्वेदी का सादर प्रणाम। आज शिवी की मैरिज दिल्ली ते उत्तराखंड खटीमा, आज पूरी फैमिली के साथ घर से निकल पड़े हैं। ये देखें, आज के मुख्य अतिथि सुरेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ। नन्नू जी अपने पांव नीचे करिए, ये सुरेश जी, ये इशिका, और इधर प्रीति, नन्नू, ईशान एंड वर्षा। हम सब अपनी गाड़ी से मैरिज के लिए निकल चुके हैं और अब आपको उत्तराखंड के व्यू एंड दिल्ली से खटीमा उत्तराखंड की जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहें और देखते रहें। गाइस, अब पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप, और अब पेट्रोल पंप पहुंचने के बाद गाड़ी का टैंक फुल करा लेते हैं, क्योंकि आगे हाईवे है तो हाईवे पे पेट्रोल मिलता तो है, पर दिल्ली से ही पेट्रोल फुल करा लेते हैं और अब सीधा खटीमा के लिए निकलेंगे। बीच में छोटी छोटी बच्चों के साथ स्टॉपिस करते रहेंगे तो आपको दिखाते रहेंगे। और ये पेट्रोल पंप हम रुके हुए हैं द्वारका सेक्टर एक। चाय तब तक खत्म हो जाएगा, अब तो बिस्किट भी आता है। और अभी मैं लाता हूँ बिस्किट, थोड़ा भी जाते हैं दुकान पे, सामने दुकान भी है तो मैं पापा आपको बताएंगे क्या क्या हो रहा है। हरियाणा टूरिस्ट ढाबे पर रुके और ये थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी थी, नींद आ रही थी, रात सोया नहीं, तो मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेता हूँ और चाय भी पी लेता हूँ। अब बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे चिप्स वगैरह लेंगे और फिर यहाँ से रुकेंगे सीधा मैकडी पे गजरोला। अभी थोड़ा चाय के लिए रुके थे, फिर आपको आगे दिखाते हैं। फिर ये मेरी बेस्टी आ चुकी है मेरे साथ। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं गढ़गंगा, और हम बताएं कहां पहुंचे हैं, गढ़गंगा ही पहुंचे हैं। और सामने देखिए कैसे लाइन जा रही है, बिल्कुल नदी, मतलब नदी जा रही है, और यहां पे पंछी हैं बहुत सारे, हवा भी बहुत तेज चल रही है, शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, देखो एक बार। और यहाँ पे अभी मेरे साथ कौन आ रखा है, नन्नो। और अभी हम नीचे चलते हैं, पापा मत बंद करो। और ये रे बाबा शीशे में दिख रहे हैं। नहीं मैं पढ़ूं, अभी मैं नहीं आ रहा नीचे। क्यों नहीं आ रहा, मेरा मन नहीं कर रहा।
कर रहा है। तो गाइस अभी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं मैकडी गजरोला। अब गजरोला में ये चिल्लर पार्टी एंजॉय करेगी, फोटो सेशन चलेगा और तो अब हम एंजॉय करेंगे एंड मैकडी को जो जो इनका मन करेगा वो ये लोग लेंगे। वो एक छोटी सी अपडेट आप लोगों को देने के लिए यहाँ पे रुके हमारे साथ वॉक करता हुआ। देखो, देखो और एक फोटो सेशन चल रहा है बच्चों का। और ईशान, ईशान का देखो कट लगा रखा है ईशान ने आज, बेकार कटा है ये कट। और ये नन्नू, और ये नन्नू का कट, ये देखें फोन पे, ये देखो नन्नू फोन में देख ले। सो गाइस मैकडी पे एंजॉय करते हुए पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है। मैकडी के पीछे बहुत अच्छा रेस्ट जोन है, यहाँ पे काफ़ी सारे आउटलेट है। आउटलेट में एडिडास है, ये एडिडास है, ये अपना पीछे लिवाई एंड पोमा, और इधर भी है एक पीछे बैक साइड में रिवॉक, और उसके बाद भी है एक ये अपना फ्लाइंग मशीन। ये बहुत सारे आउटलेट हैं यहाँ पे। तो ये ठीक मैकडी के पीछे है, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं मैकडी। मैकडी के ठीक पीछे बहुत अच्छा पार्किंग भी है, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं और शॉपिंग करना चाहे तो यहाँ पे 60%, 50%, 70% ऑफ है हर आउटलेट पे। तो अब बच्चे थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं तो देखते रहें और आगे की एक्टिविटी भी आपको दिखाते हैं। अभी हम दिल्ली से गजरोला पहुंच गए हैं, अब गजरोला से अब आगे जाएंगे, इसके बाद मुरादाबाद फिर रामपुर, बिलासपुर, रुद्रपुर। जब हम उत्तराखंड एंट्री करेंगे फिर आपको छोटी सी अपडेट देते हैं। और ये हमारा लिटिल चाम ईशान चतुर्वेदी, तो ये हमारा एडिटर, हमारी सारी वीडियो एडिट यही करता है। और अब देखते रहें, ये थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी इनके साथ छोटी ग्रुप फोटोएं खिंचवा लेता हूँ, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ये मैं नन्नू के ऊपर डिप्स मार रहे हैं लड़के दोनों के दोनों, ब्रेक का ब्रेकफास्ट के बाद एंजॉय कर रहे हैं। ये भी अपने आप में है रेस्टोरेंट के ठीक बाहर फुटपाथ पे बैठ के, अपने आप में ये भी एक एंजॉयमेंट है। ये शैतान बच्चा हमारा, ये उल्टा हुआ था इसलिए उल्टे ही काम करता है। सो गाइस अभी हम मैकडी से निकल रहे हैं और बस येरा मैकडी से निकल रहे हैं। नन्नू चिल्ला रहा है पीछे, चाची बैठ रही है, नन्नू बैठ रहा है, चाचू बैठ रहे हैं यहाँ पे, हाँ पापा ऐसे मम्मी, और धूप बहुत ज्यादा हो रही है। और अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। पापा हम कहाँ रुकेंगे बस के बाद देखते हैं, आगे कहाँ पे
ब्रेकअप कॉल लेंगे और फिर आपको अपडेट देते हैं थोड़ी देर बाद, तो देखते रहे। खटीमा पहुंच चुके हैं, होटल का रूम ले लिया हमने और अब थोड़ा रेस्ट करेंगे। और अभी सब लोग आ रहे हैं, ऑन द वे हैं सब लोग। हम लोग सबसे पहले पहुंच गए हैं, तो अभी हमने यहाँ पे रूम ले लिया है। तो अब देखते हैं यहाँ की व्यवस्था क्या है। और आगे यहाँ पे एक बहुत बड़ी लेक है, डैम टाइप का बना रखा है, तो उस डैम को भी घूमेंगे। और मैं तो आता ही रहता हूँ यहाँ पे, पर बच्चे पहली बार आए हैं तो इनको लेक दिखा के लाऊंगा और दिखाते हैं। तो अभी यहाँ का थोड़ा वो देखते हैं और अभी आपको अपडेट करते हैं थोड़ी देर में, तो देखते रहें। सो गाइस, अब सिवी की मैरिज में आने के बाद आज मेहंदी इवनिंग, आज 14 तारीख की इवनिंग है, तो आज मेहंदी का प्रोग्राम है। तो सब लोग मेहंदी के लिए रेडी हो चुके हैं। और ये देखें मेरी बेस्टी मामा और भांजी का प्यार उमड़ चुका है। सो फाइनली हम पिक के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ये मेरी प्यारी सी बांधी सिवी, ये ईशु, ये वर्षा एंड ये ईशिका, तो जुड़े रहें। अब छोटी छोटी आपको एक्टिविटी दिखाते रहेंगे। और देखो सामने एक बार।